फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं डोमिनोज जैसा बिल्कुल टिन टू टिन बटरस्कॉच मूस केक। ये खाने में बहुत टैम्पटिंग लगता है, प्लस में गाइस इसे बनाना इतना ही ईजी है। आज हम इसे बनाने जा रहे हैं लेफ्ट ओवर केक से, जो हमारे पास चॉकलेट केक बच जाता है। नॉर्मली कभी ऐसा होता है कि यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो आज हम उससे इसे बनाने वाले हैं। तो वैसे तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। बटर स्कॉच सॉस के लिए हम ले रहे हैं चीनी, ऑलमोस्ट 1 कप यानी 50 ग्राम्स के करीब मैं चीनी ले रही हूँ। बटर ले रहे हैं हम 1 चम्मच, और 2 चम्मच मैं ले रही हूँ मलाई, जो कि घर के ताज़ा दूध की मलाई है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल फ्लेक्सिबल रेसिपी बता रही हूँ उसी इंग्रेडिएंट से जो हमारे पास घर पे नॉर्मली रहते हैं, तो मैं इसकी जगह मलाई यूज़ कर रही हूँ। चाहें तो क्रीम भी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी बटर स्कॉच सॉस बनाना के लिए। साथ ही हम इसके लिए ले रहे हैं बचा हुआ लेफ्ट ओवर केक। ये चॉकलेट केक है, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इसे बना सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से देख सकती हैं। हम इसी से आज अपना मूस केक बनाने जा रहे हैं, बटर स्कॉच मूस केक एकदम डोमिनोज स्टाइल में। अगर आपके पास नहीं है, आप चॉकलेट केक बनाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं एक और अच्छा ऑप्शन दूंगी आपको, जो बहुत ही इजी है, आप वो भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम ले रहे हैं व्हिपिंग क्रीम। ये 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम है। तो हम आगे का प्रोसेस करते हैं। ये हमने एक पैन गरम करने रख दिया है। जैसे हमारा पैन गरम होता है, हम इसमें अपनी शुगर डालते हैं यानी चीनी डालते हैं। इसे अच्छे से पूरे पैन पर स्प्रेड कर देते हैं और इसे मेल्ट होने देते हैं। हमें इसमें पानी या कुछ नहीं डालना है। मैं इसकी रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ एक बार शेयर और कर चुकी हूँ। बस इसे मेल्ट होने देते हैं। जो गैस फ्लेम है हमें इस समय मीडियम रखनी है, ना स्लो ना ही एकदम तेज। तो बस इसे मेल्ट होने देते हैं। हम बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये चीनी हमारी नीचे लग जाएगी। ये देखिए हमारी चीनी मेल्ट होने लगी है, इसे पकने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट के अंदर ही हमारी चीनी एकदम मेल्ट हो गई है, और जो इसका कलर है अभी येलोइश आया है, पर हमें इसका कलर जो है एकदम ब्राउन चाहिए, जो हमारी बटर स्कॉच सॉस का नॉर्मल होना चाहिए। तो हम इसे बस 1 मिनट और पकाते हैं, जब तक इसका कलर ब्राउन हो जाता है। इसे पकने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर जो है एकदम ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पे जो गैस फ्लेम है हमें एकदम स्लो कर देनी है, और मैं इसमें डाल रही हूँ मलाई, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो गैस फ्लेम में याद रखिए एकदम स्लो रखिए इस टाइम पे। बस इसे पकने देते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, और अभी इस समय मैं गैस फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, और इसमें अपना डालते हैं बटर। ये भी मिक्स कर लेते हैं, और ये हमारी बटर स्कॉच सॉस बनके बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। इसे ठंडा होने देते हैं, इसे ऐसे ही साइड में छोड़ के ठंडा होने देते हैं, अपने आने की प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है उसे हमें व्हिप करना है अच्छे से। हम इसे व्हिप करते हैं। हमारी व्हिप क्रीम जो है उसमें सॉफ्ट पीक आ चुके हैं, हम एकदम हार्ड नहीं करना है। अब इस स्टेज पे हम अपनी कैरेमल सॉस मिलाएंगे इसमें। ये देखिए अब हम अपनी कैरेमल सॉस मिलाएंगे इसमें। आप देख सकते हैं कैरेमल सॉस जो है एकदम ठंडी हो चुकी है, हमें एकदम ठंडी की मिलानी है। अगर हम गर्म मिला देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा हमारा। तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके अपनी कैरेमल सॉस या बटर स्कॉच सॉस डालते हैं। इसे मिक्स करते हैं। आप
देख सकते हैं ऑलरेडी क्रीम का कितना ब्यूटीफुल कलर आने लगा है, एकदम बटर स्कॉची। तो मिक्स करते हैं अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा बटर स्कॉच मूस बनके तैयार है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही इसमें थोड़े बटर स्कॉच नट्स डाल के, जो कैरमलाइज नट्स होते हैं उसे मिला के इसे डीप फ्रीज कर दीजिए, तो ये बटर स्कॉच आइसक्रीम बन जाती है। बहुत टेस्टी लगती है गाइस, ट्रस्ट मी। जब भी हमारा मूड जैसे बच जाता है तो हम उसे इस तरह यूटिलाइज भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, एक कांच का या प्लास्टिक का ग्लास लेना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें हम डालेंगे सबसे पहले अपना ये बटर स्कॉच मूस। उसके ऊपर डालेंगे अपना केक का क्रम्बल। वापस इसके ऊपर डालेंगे एक लेयर मूस की। आप देख सकते हैं घर पे कितनी आसानी से बनके तैयार हो जाता है। बाजार में आपको पता है डोमिनोज पे कितना महंगा मिलता है, आप देख सकते हैं इसे बनाना बहुत आसान है। वापस हम इसमें डालेंगे एक लेयर केक की और वापस से हम डालेंगे लास्ट लेयर अपने मूस की। इसे स्प्रेड कर देंगे। हम इसे गार्निश करेंगे थोड़ी सी ग्रेटेड चॉकलेट से, चॉकलेट शेविंग से। और ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल मूस केक बनके तैयार है, बटर स्कॉच मूस केक। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लेयर्स आए हैं। और हम इसे अभी फ्रिज में रख देंगे मिनिमम हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसे तभी खाएंगे या सर्व करेंगे। अब लास्ट में जो हमारी बारी है, अगर आपके पास चॉकलेट केक नहीं है, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है उसे बनाने का, तो आप उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? उसका ऑल्टरनेटिव है, आप ओरियो बिस्किट लीजिए, उसको क्रम्बल कीजिए, लाइक उसका चूरा बना लीजिए, काफ़ी फाइन, एकदम मिक्सी में नहीं पीसना है, थोड़े दाने रहने चाहिए। उसमें डालिए थोड़ा मेल्टेड बटर, उसे मिक्स कीजिए और केक क्रम्बल की जगह आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एकदम झटपट बनने वाली रेसिपी होती है वो भी। आप देख सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में हमारा ये चॉकलेट मूस केक बन के तैयार है। होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हों। अगर हाँ तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो छोटी सी बेल आइकन होती है उसे हिट करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग और प्यारी प्यारी रेसिपी देख सकें जो कि टाइम सेविंग और मनी सेविंग होती हैं। थैंक यू, बाय बाय।